तो हम लोग पहुंच चुके हैं शनि सिंगनापुर, जहां पर शनि भगवान के नाम पर होता है बहुत बड़ा स्कैम, जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर पहुंचते ही ड्राइवर इन दुकानों के सामने अपनी गाड़ी रुकाएगा, जहां से इनको मिलता है कमीशन। फिर अंदर से ज्ञानी बाबा आता है और शनि भगवान के बारे में आपको ज्ञान देता है और अपने दुकान में लेके जाता है अपना सामान बेचने के लिए। आप अगर हो थोड़े से होशियार और ना लो तो आपकी भावनाओं से खेलेगा, बोलेगा अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है वरना शनि भगवान हो जाएंगे नाराज। तो भाई साहब हम भी क्या करें, फर्स्ट टाइम गया था मैं भी, लेकिन आप लोगों को तो मैं अवेयर कर ही सकता हूं ना। तो इनसे आप कुछ मत खरीदना, ये एक का डबल कर दे। मंदिर के ठीक एंट्रेंस पर आपको ऑयल के काउंटर मिलेंगे। शनि भगवान के पास जाने से पहले आपको सिर पर पानी लेना या फिर नहाना जरूरी होता है। बस मंदिर में जाने से पहले जो भी चमड़े की चीजें हो निकाल दो, जैसे बेल्ट, घड़ी और वॉलेट, और दर्शन करने के बाद वापस मुड़कर मत देखना। शनि भगवान को चढ़ाने वाली हमें सारी चीजें बाहर ही चढ़ानी पड़ी, जो आप देख सकते हो सीधा पैरों में आ रही थी। अब ये लोग इसका क्या करेंगे, फेंक देंगे? अरे ना ना, पैसों के लिए ठगने वाले ये लोग, इनकी क्या गारंटी कि ये डबल नहीं बेचेंगे। और यहाँ पर देखो, तेल और काले तिल हमें बाहर ही चढ़ाने पड़े, क्योंकि शनि भगवान के ऊपर अगर तेल चढ़ाना है तो उसके लिए 500 रुपए के स्पेशल एंट्री का टिकट लेना पड़ता है। भाई साहब क्या ऐसा भेदभाव भगवान करते हैं।